जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की। अच्छे से बताता हूँ आपको, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत सारे आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप देख लेना, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 101% आता ही आता है दोस्तों। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, केवल एक बार वीडियो को एंड तक देखिए। इसके सभी जो टाइप है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। अब जैसे लिखा हुआ आपके सामने कि किसी सांकेतिक भाषा में केट को DDY लिखा जाए तो ABC को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे मैंने नीचे अरेंज किया, इस प्रकार से आप लिख के देख लीजिए कि केट को क्या लिखा है DDY। तो क्या हो रहा है इसमें आपको सबसे पहले देखना, देखिए इसका जो पहला अक्षर है वो C, इसका पहला अक्षर D, इसका A, इसका D, इसका T और इसका Y, इनके बीच में क्या संबंध है वो पता करना है। देखो C प्लस अगर हम 1 करेंगे तो D आ जाएगा, A प्लस 3 करेंगे तो D आ जाएगा, और T प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, Y आ जाएगा। तो बस यही सेम प्रक्रिया आपको अगले में करनी है। जैसे क्या इधर लिख देना है, फिर A, B और C। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, जैसे ऊपर वाले में किया गया है प्लस 1 तो क्या आ जाएगा B, फिर क्या क्या हुआ दोस्तों प्लस 3 तो B में प्लस 3 करेंगे तो E, फिर क्या क्या हुआ है प्लस 2, सी में प्लस 2 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा ई। तो ये आपका आंसर हो गया BEE। बिल्कुल इस प्रकार से इजी तरीके से करना है। बस इनका जो संबंध क्या है, जो ऊपर वाले में जो संबंध चल रहा है वही नीचे वाले में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वो संबंध बनाना है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं पूरा बोल रहा हूँ, 5 + 7 = 21 यानी 5 + 7 = 21 तथा 9 + 4 = 31 तो 4 बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर है 4 + 4 ठीक है, ये 4 मिल यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है दोस्तों के बराबर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या संबंध है, इन दोनों में एक चीज़ आपको नोट करनी है क्या संबंध है। तो प्लस का चिन्ह है तो एक बार आप जोड़ के देख लीजिए, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितने आएंगे, 5 और 7 12 आएंगे, जबकि आपके वहाँ कितने लिखे हुए हैं 21 यानी 21। तो किया क्या गया है, इनको पलट दिया गया है, 12 को उल्टा लिख दिया गया है तो हो जाएगा ना 21। इसमें क्या 9 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं, और 13 को उल्टा लिखेंगे तो 31। तो इसमें क्या है, 4 और 4 कितने होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं दोस्तों, यानी 08 होते हैं। तो अगर आपका ऑप्शन, अब इसको पलटने से क्या बन जाएगा ये 80, और अगर ऑप्शन में 80 नहीं है और 8 है तो आपका आंसर हो जाएगा 8, और अगर ऑप्शन में 80 दिया हुआ है तो क्योंकि 08 लिखा जाता है, और अगर 8 ऑप्शन में नहीं है और 80 है तो आप इसको 80 लिख सकते हो, लेकिन 80 वहाँ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ ऑप्शन को आपको 8 ही मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। अब एक और देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को 1357 और गेन को 2468 लिखा जाए तो उसी भाषा में 8461 65 को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो वर्ड है, क्या इन दोनों वर्डों में से वो वर्ड है 8, हाँ है जी है, 6 है जी, 4 है जी, 1 है जी और 5 है, यानी ये सभी वर्ड इनमें से हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा देखना है, जैसे 8 तो इस ऊपर वाले में 8 को क्या लिखा गया दोस्तों, ऊपर वाले में 8 के क्या लिखा हुआ है, एन की जगह क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 के बराबर क्या हो जाएगा आपका इधर एन हो जाएगा। 4 तो ऊपर वाले में जो ये 4 लिखा हुआ है इसको किसे संबोधित किया गया है, ए की जगह लिखा गया है ना, ए को किसी सांकेतिक भाषा में 4 लिखा गया है तो आपको यहाँ 4 की जगह क्या लिख देना है ए। 6 देखिए ये रहा 6 तो इसका भी ये वर्ड देख लीजिए, तीसरा क्या है आई तो ये लीजिए आई। उसके बाद में 1 देखो 1 को क्या क्या लिखा गया है दोस्तों, 1 को इसमें एल, एल के बराबर 1 लिखा गया है तो आप इसमें 1 के बराबर एल लिख दीजिए। फिर 5 तो इसमें जो तीसरा वर्ड है 5 इसका तीसरा वर्ड एस, एस तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों NAILS। बिल्कुल इजी है, अगर जो वर्ड इसमें इस वर्ड को जो वर्ड लिखा गया है वही सेम इसी में लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये सबसे पहले आपको इसमें यही वर्ड देखना है कि जो आपको वर्ड दिया गया है क्या ये ऊपर क्वेश्चन में वर्डों में से हैं, तो अगर हैं तो सीधी सी बात है, जैसे इधर भी 4 वर्ड है तो इनको इस नंबर दिया गया है, इन 4 को ये 4 दिया गया है, तो यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी 7 के बराबर
ई, 5 के बराबर एस, 3 के बराबर ओ और एल, 1 के बराबर एल। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भाषा में फादर को एफ बी टी एच ई आर लिखे तो मदर को क्या लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको इनका रिलेशन देखना है दोस्तों कि एफ ए टी एच ई आर, अब इसमें क्या लिखा गया है, देखो एफ का तो एफ ही लिखा गया है लेकिन ए की जगह क्या लिखा गया है, प्लस वन कर दिया गया है दोस्तों, फिर टी का टी लिखा गया है और एच का एच लिखा गया है, फिर टी का टी और एच का एच लिखा गया है और ई का ई लिखा गया है और आर का आर ई लिखा गया है। यानी क्या चेंज हुआ, केवल एक वर्ड चेंज हुआ है। तो आपको भी क्वेश्चन में क्या करना है, जो दूसरा नंबर है उसमें, अब जैसे मदर एम ओ टी एच ई आर, तो अब आपको इसमें भी क्या करना है, सेम रूल करना है, एम का क्या करना है, एम का एम लिख देना है, टी का टी, एच का एच, ई का ई और आर का आर लिख देना है। चेंज क्या करना है, सिर्फ ओ, प्लस वन करेंगे तो ओ पी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।